एक घटिया पावर बैंक और एक अच्छा पावर बैंक में क्या अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी अच्छे पावर बैंक को खरीदने से पहले आपको क्या चीज़ें पता होना चाहिए, और हम आपको बेस्ट पावर बैंक भी बताएंगे। वेलकम टू बेस्ट वाले, जहाँ मिलता है आपको शानदार कंपैरिजन और बेहतरीन रिव्यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती रहेगी। आज बात कर रहे हैं बेस्ट पावर बैंक इन इंडिया के बारे में, इंडिया में मिलने वाले अच्छे पावर बैंक के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए किसी भी पावर बैंक को ख़रीदने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम लूँगा, छोटा सा शॉर्ट, ले इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी पावर बैंक ख़रीदें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पावर बैंक ख़रीदना कैसा है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक, आपको ब्रांडेड लेना चाहिए या जेनेरिक। ब्रांडेड में वो सभी पावर बैंक आ गए जो एक ब्रांडेड कंपनी के द्वारा बनाए गए हों, एक अच्छी एक स्थापित कंपनी के द्वारा बनाए गए हों, वो सभी ब्रांडेड पावर बैंक है। इसके अलावा जो पावर बैंक बनते हैं, जैसे कि आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा 50,000 mAh का पावर बैंक या 30,000 mAh का पावर बैंक, तो वो लिखा कुछ है और अंदर क्या है ये कंपनी वालों को पता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रांडेड पावर बैंक लें, जो लिखा होता है वही कंपनियाँ देती हैं पावर बैंक में जो ब्रांडेड होती हैं, तो आप ब्रांडेड पावर बैंक ही लें। जेनरिक इसलिए ना लें क्योंकि आपने सुना होगा, आजकल न्यूज़ों में भी आया था कि पावर बैंक में आग लग गई या पावर बैंक जल गया। वो इसलिए क्योंकि देखिए, पावर बैंक में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, उसको आप एनर्जी दे रहे हैं, उससे आप एनर्जी ले रहे हैं, इसलिए आपको ब्रांडेड पावर बैंक ही लेना चाहिए। ब्रांडेड पावर बैंक लेंगे उसके साथ गारंटी या वारंटी भी आती है, और आपको तसल्ली रहेगी दिल को भी कि भाई एक अच्छा पावर बैंक है। जेनेरिक में बहुत दिक्कत है, लिखा कुछ होता है अंदर क्या होता है, और चीप होते हैं, कुछ दिन चलते हैं फिर वो पावर नहीं देते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़े पैसे लगा के ब्रांडेड ही लें, जेनरिक ना लें, ब्रांडेड लें। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ली आयन बैटरी, यानी लिथियम आयन की बैटरी या लिथियम पॉलीमर की बैटरी, कौन सा वाला पावर बैंक लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा लिथियम पॉलीमर लीजिए, ये बेस्ट है, लिथियम आयन से अच्छी है। ठीक है, तो आप लिथियम पॉलीमर बैटरी ही लीजिए। अगला देख लेते हैं कि 20,000 mAh का पावर बैंक लें या 10,000 mAh का पावर बैंक लें। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके यूज़ के ऊपर। देखिए, 20,000 mAh और 10,000 mAh में ये फ़र्क है कि महंगा होता है 20,000 mAh का, इतना भी नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, और भारी भी होता है। ये दो फ़र्क होते हैं सबसे बड़े। तो अगर आप अपनी जेब में रख कर ले जाना चाहते हैं, थोड़ा भारी भी हो तब भी आप चलें, लेकर जा सकें, या आप अपने बैग में रखना चाहें, तो 20,000 mAh ही लीजिए। 20,000 mAh में ये है कि आपको 400 रुपये या 500 रुपये ऊपर लगेंगे, लेकिन दुगना आपको पावर मिल रहा है, दुगना पावर मिल रहा है। आप ज़्यादा मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, ज़्यादा अपने डिवाइसों को चार्ज कर पाएंगे, तो आपको 20,000 mAh लेना चाहिए बजाय 10,000 mAh के। मैं आपको इस वीडियो में जो प्रोडक्ट बताऊंगा उनकी मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा और कंपैरिजन भी बताऊंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है, कितने बड़े साइज़ का आता है, वो भी मैं आपको एक कंपेरिजन में बताऊंगा बहुत अच्छे से। इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए, 10,000 mAh आप जब लीजिए तब आपको पावर बैंक भारी लगता हो, या आप बैग में भी नहीं रखना चाहते, हल्का पावर बैंक चाहिए, पैसे भी कम है, तो 10,000 ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास सफिशेंट, आप कर सकते हैं अफोर्ड, और आप थोड़ा सा भारी अगर चले तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 20,000 ही लीजिए, 20,000 mAh का पावर बैंक लीजिए। ओके, जैसे MI का पावर बैंक आता है 800 का, 900 का, और 20,000 वाला आता है तकरीबन 1400 करीब का आता है, तो थोड़ा सा पैसा है बड़ा हुआ, लेकिन आपको फ़ायदा दुगना मिल रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10,000 या 20,000 के भाई में आप 20,000 का लें, और अगर आप 10,000 का लेना चाहें 10,000 mAh का, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं टाइप सी और टाइप ए, आप कौन सा पावर बैंक लें। तो देखिए, आजकल मोबाइल जो आ रहे हैं वो टाइप सी पोर्ट के आ रहे हैं, टाइप सी केबल को सपोर्ट करते हैं, तो आप टाइप सी वाले लीजिए, यानी कि आप उसको टाइप सी से भी चार्ज कर सकें, समझ रहे हैं आप।
टाइप सी से भी आप मोसो चार्जर उस पावर बैंक को चार्ज कर सके, ऐसा पावर बैंक लीजिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टाइप सी वाला लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास मोबाइल है, टाइप सी की केबल है, और आप उसमें जो मिनी केबल आती थी वो उसके अंदर पोर्ट दिया हुआ है, तो आप उसे चार्ज करने में दिक्कत आती है। इसलिए आप टाइप सी वाला चार्जर पावर बैंक लें। देखिए अब बात कर लेते हैं डुअल आउटपुट, यानी कि आपको उसमें दो आउटपुट होना चाहिए, यानी कि आप एक साथ दो डिवाइस चार्ज कर सकें, ऐसा पावर बैंक होना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप सिंगल लेते हैं तो आपके साथ में जो ट्रेवल कर रहे हों या आपके पास दो डिवाइस हैं तो आप उन दोनों डिवाइस को चार्ज कर सकें, इसलिए आप डुअल आउटपुट वाला पावर बैंक लीजिए। अब बात कर लेते हैं सेम टाइम चार्जिंग की। आजकल ये एक पावर बैंक में आने लगा है कि आप एक ही साथ पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं और उसी टाइम पर आपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। ये एक नया सिस्टम आया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इतना आपके पास टाइम है कि आप उस सेम टाइम में चार्जर को भी पावर बैंक को भी चार्ज कर रहे हैं और मोबाइल को भी चार्ज कर रहे हैं, तो आप फिर मोबाइल को ही चार्ज कर लीजिए। अगर आप पावर बैंक को ही चार्ज कर रहे हैं फिर उसके बाद अपने मोबाइल को कनेक्ट उसमें कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप मोबाइल को सीधे चार्ज कर लीजिए, क्योंकि चार्जर आपका अलग चीज़ है, चार्जर चार्जर ही रहता है, पावर बैंक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पावर बैंक सिर्फ आपको पावर देगा, लेकिन जो स्पीड आपको चार्जर से मिलेगी अपने ओरिजिनल से वो कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो पावर बैंक है वो 10,000 mAh का है और आपका जो बैटरी है वो 4,000 mAh की है मोबाइल की, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये मेरे मोबाइल को 2.5 बार चार्ज कर देगा, यानी कि 2 बार तो 8,000 mAh हो गए, वो बचे हुए 2 मतलब ये ढाई ढाई बार अपना मोबाइल चार्ज हो जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि जो आपका पावर बैंक है वो हीट भी निकालता है और इलेक्ट्रिसिटी उसकी खर्च होती है और जगह भी, तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप जितना भी पावर बैंक ले रहे हैं वो 2/3 में चलेगा, उसका गुणा कर दीजिए 2/3 से। तो देख लीजिए आपको जो 10,000 mAh का पावर बैंक आएगा ना वो 6.5 या 7 हज़ार mAh का पावर देगा, ठीक है। आप कंपनी को मत कोसिएगा कि भाई कंपनी ने इतना बोला था और उतना है, ऐसा नहीं होता। पावर बैंक है, मशीन है, कम ज़्यादा होता रहता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप अगर 10,000 mAh का ले रहे हैं तो 7,000 ही पावर आपको देगा, और 20,000 का ले रहे हैं तो आप 2/3 से कर लीजिए कितना बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे कुछ अच्छे पावर बैंक की लिस्ट। ये मैंने आपको बता दिया पावर बैंक लेने से पहले क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कुछ अच्छे पावर बैंक, बेस्ट पावर बैंक की लिस्ट। तो हमारे पास सबसे पहला पावर बैंक है रियलमी 10,000 mAh पावर बैंक, 10,000 mAh का पावर बैंक है। ये कुछ दिखने में ऐसा है, ग्रे कलर का जो है, और इसके तीन वेरिएंट आते हैं, तीन कलर में ये मौजूद होता है, रेड, येलो और ग्रे। इसके अंदर आपको टाइप सी मिल जाएगा और इसकी बॉडी है वो 3D कर्व्ड बॉडी आती है, 18 वॉट में चार्जिंग करता है, 2-वे चार्ज है, यानी कि आप इससे टाइप सी से इसको चार्ज कर सकते हैं और फिर टाइप सी ही पोर्ट से आप अपने मोबाइल या किसी और चीज़ को भी चार्ज कर सकते हैं, ये इसमें फ़ायदा है। 10,000 mAh की बैटरी है इसके अंदर और लिथियम पॉलीमर की बैटरी ही है, जो मैंने आपको बताया था वही बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसकी जो कीमत है वो आपको 1,300 के आसपास पड़ेगी। लेटेस्ट प्राइस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो वो आपको 1,300 के आसपास पड़ेगी, 1,300 से या 1,100 या 1,300 के बीच में पड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा है और इसकी पूरी जो जानकारी है वो हमने इसमें लिख दी है। इसका वेट जो है वो 230 ग्राम का है, जैसे मैंने आपको वेट का बताया था, तो 230 ग्राम का इसका वेट है। अब देख लेते हैं हमारा अगला पावर बैंक कौन सा है। अगला पावर बैंक है रेडमी का 10,000 mAh का पावर बैंक। देखिए इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 20,000 का और एक 10,000 का पावर बैंक। तो 10,000 वाला और 20,000 वाला दिखने में सेम है। इसके दो कलर वेरिएंट आते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, तो वाइट ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब देख लेते हैं इसका साइज़ क्या है। तो ये आपको 15.1 mm पतला मिलेगा और इसमें आपको टाइप सी मिल जाएगा और डुअल इसमें आपको पोर्ट मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप एक साथ दो चीज़ें इसमें चार्ज कर सकते हैं। इसका साइज़ भी अच्छा है और इसमें आपको 10 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, जो आपकी चार्जिंग स्पीड है वो 10 वॉट की होगी, फास्ट चार्जिंग है,
देखिए, फास्ट चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका जो वन प्लस में या जो ओप्पो में जो वूक टेक्नोलॉजी आती है या व्रेप टेक्नोलॉजी आती है वो इसमें नहीं मिलेगी, सिर्फ ओनली चार्ज करेगा, ओनली चार्ज, फास्ट चार्ज करेगा। 10,000 mAh का बैटरी रहेगी, तो वही जो मैंने आपको बताया था 7,000 के आसपास आपको देगा। डुअल पोर्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं, दो पोर्ट हैं चार्जिंग के लिए, दो पोर्ट हैं आपके इसको खुद को चार्ज करने के लिए, ठीक है। 10 वाट का चार्जिंग इसमें आपको मिलेगा। इसका जो वेट है वो है 245 ग्राम, 245 ग्राम इसका वेट है। इसका जो वैल्यू है वो आपको 800 रुपये के आसपास की आपको पड़ेगी इसकी कीमत। अब हम देख लेते हैं हमारा जो अगला पावर बैंक है वो है इजी का, 20,000 mAh का, सेम टू सेम है, बस 20,000 mAh का ये पावर बैंक हो गया है रेडमी का। और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और उसकी जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा, साइज़ भी बढ़ जाएगा और प्राइस भी बढ़ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था, और वेट भी बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा है, और इसमें वही सब है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डबल इसमें आउटपुट है, डबल इनपुट है, टाइप सी भी है, और इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। वहाँ आपको 10 वाट की फास्ट चार्जिंग मिली थी, यहाँ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। इसका जो वज़न है वो 449 ग्राम है, 500 ग्राम समझ लीजिए, आधा 500 ग्राम का ये पावर बैंक है। इसकी पूरी जानकारी ये, इसकी जो कीमत है वो 1500 के आसपास पड़ेगी, ठीक है। इसका आप लेटेस्ट प्राइस नीचे कर सकते हैं। अगला जो हमारा बेस्ट पावर बैंक है वो है ओप्पो का 10,000 mAh पावर बैंक। ये वूक फ्लैश चार्ज के साथ आता है, यानी कि जो आपका मोबाइल चार्जर जो होता है जितनी फास्ट स्पीड में चार्ज करता है उसी स्पीड में ये चार्जर, ये ओप्पो का जो पावर बैंक है वो चार्ज कर सकता है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, और इसका जो चार्जिंग है वो 20 वाट की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग के साथ ये वूक चार्जिंग है, ये बात आप याद रखिए। और इसकी जो बॉडी है आसपास एल्युमिनियम की अर्क बॉडी है, ये ऐसा दिखता है। इसमें एक खामी है कि ये सिंगल आउटपुट इसमें दे रखा है, देख सकते हैं आप, सिंगल आउटपुट और सिंगल इनपुट, टाइप सी से ही ये चार्ज होगा, और इसमें एक ही पिन दी है आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो आप इससे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और लिथियम पॉलीमर बैटरी इसमें आपको मिलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और सभी को ये आपको 30 मिनट में आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा 45% तक, ये बता रहा है ना कि वही टाइम लेगा। अब देख लेते हैं कि इसमें सिंगल आपको पोर्ट है, इन और सिंगल आउट का पोर्ट है, और इस तरीके से खूबसूरत पावर बैंक है। देखा जाए तो इन सभी में ही खूबसूरत पावर बैंक है। इसका जो वज़न है वो 231 ग्राम का है, 231 ग्राम का इसका वज़न है। लेकिन एक बात है कि इसकी जो प्राइस है वो 1500 के आसपास है, लेकिन ये चार्ज जल्दी करता है, लेकिन इसका 10,000 mAh का इसका पावर है, तो पावर कम है लेकिन चार्जिंग फास्ट करता है, तो इसकी जो वैल्यू, जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, ब्रांडिंग भी है इस वजह से ज़्यादा है। अब सिस्का का देख लेते हैं, एक अच्छा पावर बैंक है सिस्का का, पावर प्रो 200 पावर बैंक इसका नाम है। अब इसका ये 20,000 mAh का पावर बैंक है, इसमें टाइप सी नहीं है, इसमें जो माइक्रो यूएसबी आता था वो पोर्ट दे रखा है चार्जिंग के लिए, और दो पोर्ट दिए हुए हैं आपके मोबाइल वगैरह या डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, इस तरीके का ये दिखता है। इसमें दे रखा है जैसे आप देख सकते हैं कि अगर MI A1 है तो वो उसको चार्ज कर देगा 4 बार, और आईफोन को 7 बार चार्ज कर देगा। अब ये बता रहा है, कंपनी का दावा है ऐसा, और ये खुद जो चार्ज हो जाता है ये 8 घंटे लेता है खुद को चार्ज करने में पूरा। ये 403 ग्राम का आपको मिलेगा, इसकी कीमत आपको 1300 के आसपास पड़ेगी, 1300 के आसपास इसकी कीमत आपको पड़ेगी, ठीक है। वज़न आपको बता दिए 404 ग्राम का है, क्योंकि 20,000 mAh का है इसलिए थोड़ा भारी है। अगला देख लेते हैं, एम्ब्रेन कंपनी का है, एम्ब्रेन कंपनी का 20,000 mAh का स्टाइलो 20K इसका नाम है। अब इसमें हम देखते हैं, दिखने में तो खूबसूरत है, और इसे दो कलर वेरिएंट में आता है, वाइट और ब्लैक। इससे आप डबल पोर्ट इसमें दिए हुए हैं, टाइप सी भी इसमें है, और जो मिनी यूएसबी आता था वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, माइक्रो यूएसबी वाला, दोनों पोर्ट आपको मिल जाएंगे। और इसमें LED इंडिकेटर दिए हुए हैं ताकि आप इससे पता कर सकें कितना चार्ज हुआ है कितना नहीं, और ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का नहीं है, ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। 20,000 mAh का इसका पावर है,
और इसका जो वेट है वो है 372 ग्राम। इसका प्राइस जो है वो 1300 के आसपास पड़ेगा, वही जो आपको सिसका पड़ा उसके 1300 के आसपास आपको पड़ेगा। अब देख लेते हैं अगला हमारा बेस्ट पावर बैंक है एमआई का 2i पावर बैंक। ये आपको 10,000 mAh के में आता है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देता है। पावर बैंक में एक अच्छा फैक्टर ये होता है कि पावर बैंक की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जो चार्जर है वो 18 वाट का पावर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड करता है। ये 3 कलर वेरियंट में आता है, रेड, ब्लू और स्काई ब्लू। इसमें आपको 2-way चार्जिंग मिल जाएगी और 9 प्रोटेक्शन इसमें आपको दी गई है। 18 वाट की चार्जिंग है और इंडिया में ये बना हुआ है और इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 900 के आसपास पड़ेगी, 850 से 900 के आसपास, और ये 4.5 घंटे में चार्ज हो जाता है पूरा। इसका वज़न 277 ग्राम है। अब देख लेते हैं MI 2i, वही जो 10,000 का था वो 20,000 mAh का आपका पावर बैंक। ये भी 18 वाट का है, सेम टू सेम है, कलर भी वही इसके अंदर आपको मिलेंगे और डिज़ाइन वगैरह भी सब सेम है। बस इसमें फ़र्क ये है कि ये 20,000 mAh का है और इसका प्राइस ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा होगा। देखिए इसमें और एक बात याद रखिए कि इसमें टाइप सी नहीं है, इसके अंदर टाइप सी नहीं है, ओनली माइक्रो USB है और 2 पोर्ट दिए गए हैं चार्ज करने के लिए। अभी कंपेरिजन टेबल में आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 1500 के आसपास आपको पड़ेगी और 18 वाट की चार्जिंग आपको इसमें मिलती है, 431 ग्राम का ये आपको पड़ेगा। अब एक और आपको पावर बैंक बता देता हूँ एक बोनस में। ये जो पावर बैंक है ये लेटेस्ट है, वायरलेस पावर बैंक है, MI ने लॉन्च किया है। इसकी कीमत 2500 के आसपास है। इसमें आपको सिंगल पोर्ट मिलता है, लेकिन आप एक तो वायरलेस चार्ज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और दूसरे में आपको एक आउटपुट पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत है और इसकी जो प्राइस है वो 2500 के आसपास आपको पड़ेगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा कंपैरिजन कि किस में क्या है। देख लीजिए, आपको मैंने 9 पावर बैंक बताए हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं एमएच सबके दिए हुए हैं, किसका कितना एमएच है आप देख सकते हैं, और वेट आप देख सकते हैं। देखिए वेट में आपको सबसे कम जो है वो आपको पड़ेगा रियलमी का, सबसे कम वेट आपका रियलमी का पड़ेगा। अगर आपको वेट के हिसाब से लेना है तो रियलमी या ओप्पो ले लीजिए, इसमें आपको वेट बिल्कुल कम मिलेगा, 230 ग्राम आपको मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको रेडमी वाला जो ब्रांड बताया था उसमें आपको पड़ रहा है। देखिए रेडमी और MI दो अलग अलग ब्रांडिंग से आते हैं, रेडमी का वो पहले बताया था वो था, और MI का जो भी लास्ट में बताया वो है, तो ये अलग अलग चीज़ें आप इनको एक मत जोड़िएगा। तो रेडमी का ये 449 ग्राम का आ रहा है सबसे भारी। अब आपको साइज़ चाहिए, अगर मोटाई में चाहिए तो आप ये देखिए कितना मोटा चाहिए, तो सबसे कम आपको ये वाला मिलेगा रेडमी और MI का, ये आपको सबसे पतले मिलेंगे। लेकिन लंबाई चौड़ाई आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको लंबाई चौड़ाई सब में दी गई है, इसमें से आप देख सकते हैं। चार्जिंग आउटपुट की बात करें तो 18 वॉट और 10 वॉट सब में 18 और 10 की दी गई है, और सबसे ज़्यादा है 20 वॉट की ओप्पो में जो फास्ट चार्ज करता है। चार्जिंग टाइम देखें तो चार्जिंग टाइम जो खुद के चार्ज करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका एम्ब्रेन वाला, 12 घंटे ले रहा है। और इसका देखिए ये थोड़े ब्रांड में कमज़ोर हैं, सबसे अच्छी ब्रांडिंग आपकी रेडमी और रियलमी ओप्पो की है, तो देखिए ये आपका 3.5 घंटे ले रहा है क्योंकि 10,000 mAh का है, बाकी 6 घंटे ले रहे हैं तो ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये भी 6 घंटे ले रहा है, ये 10 घंटे ले रहा है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये वाला आप ले सकते हैं, अगर आपको टाइम का इश्यू है तो आप ये ले सकते हैं। अब टाइप सी देख लेते हैं, सभी में टाइप सी है, सिर्फ सिस्का वाले में टाइप सी नहीं है, सिस्का में टाइप सी नहीं है, और MI के जो दो मैंने आपको लास्ट में बताया थे उसमें भी टाइप सी नहीं है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट, तो देखिए सभी डुअल आउटपुट के हैं, डबल इसमें आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये सिंगल आउटपुट का है ओप्पो का, सिंगल आउटपुट का। MI का जो वायरलेस है इसमें एक तो आप वायरलेस कर लें और एक आप किसी को चार्ज कर लें, ये होता है। और रियलमी में आपको दो डुअल मिलेंगे, लेकिन एक आपको टाइप सी मिलेगा और एक आपको जो टाइप ए होता है वो मिलेगा, यानी कि एक तो गोल वाला टाइप सी और एक चौकोर। तो गोल अगर आपके पास ऐसी केबल है जो टाइप सी से टाइप सी की हो या माइक्रो केबल की हो तो आप उससे चार्ज कर सकते हैं। प्राइस जो अप्रोक्सीमेट प्राइस है वो मैंने आपको दे दी है,
सबसे महंगा आपको वायरलेस वाला पड़ रहा है, तो वो अगर आपके पास वायरलेस हो तो आप लें, वरना आप ले सकते हैं रेडमी का ले सकते हैं, ये 20,000 mAh का, 15,000 का है, 1500 का है, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है सभी की, आप लेटेस्ट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, सभी अच्छे हैं। अब हम देख लेते हैं आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा आपको पावर बैंक पसंद आया, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपको ओप्पो पसंद आया, रेडमी आया, नीचे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा। आपने इस चैनल में इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स और अपने बातों को हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कौन सा पावर बैंक पसंद आया। धन्यवाद।